हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस मकान की साइज है 30 फीट बाई 36 फीट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और जो हमारी मकान की लेंथ है यहाँ पीछे से लेकर यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 36 फीट। 36 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 30 × 36 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का यहाँ पर पार्किंग है और पार्किंग इस तरफ हमारे पास घर का मेन डोर है 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो इसके जैसे सामने यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा ड्रॉइंग रूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट। 10 बाई 12 का हमारा ड्रॉइंग रूम है जिसकी 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस ड्राइंग रूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 7 फीट है। 6 बाई 7 का अटैच टॉयलेट है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पार्किंग की तरफ निकल रहा है। अब इस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं, सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 17 फीट 9 इंच। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और इसी के अंदर हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग होगा। डाइनिंग और लिविंग एरिया सीधे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास किचन है जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 10 फीट। 9 बाई 10 का हमारा किचन है जिसकी 1 4 फीट की विंडो इस तरफ निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग के अंदर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 बाई 12 का हमारा बेडरूम है जिसकी 1 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है और 1 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट बाई 7 फीट है। 7 बाई 7 का हमारा कॉमन टॉयलेट है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है जिसकी भी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकली और 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए 30 फीट बाई 36 फीट मकान की साइज है। यहाँ पर पार्किंग है, घर का मेन डोर, मेन डोर सेंटर होते हैं ड्राइंग रूम, इस ड्राइंग रूम का अटैच टॉयलेट, डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयर केस, किचन, बेडरूम, बेडरूम और यहाँ पर ये कॉमन टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।